सुप्रभात बच्चों, साई राम। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आशा करती हूँ आप सभी ने अपना अपना गृह कार्य कर लिया होगा, सभी ने अपनी अपनी नोटबुक बना ली होगी और प्रोजेक्ट वर्क भी आपका पूर्ण हो गया होगा, सभी ने किया होगा। अब हमारा क्या चल रहा था, इसमें कृति का पुस्तक चल रही थी, इसमें हमने माता का आंचल पढ़ लिया था। अब हमारा जो पंचम की नाग पाठ चल रहा था, जिसके लेखक कमलेश्वर जी थे, ठीक है, इसका हमने एक भाग कर लिया है। आज हम इसका भाग दो देखते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आज का उपविषय गद्यखंड कृतिका, प्रकरण जॉर्ज पंचम की नाक और लेखक कमलेश्वर जी, ठीक है। कमलेश्वर जी का है ये जॉर्ज पंचम की नाक। तो आगे कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये एक अंग्रेज थे जॉर्ज पंचम, जिसमें ये दिल्ली में इनकी लाट बनी हुई थी और उसमें इनकी नाक को किसी ने तोड़ डाला था। कुछ राजनीतिक दंगे हुए थे, राजनीतिक दंगों के कारण किसी ने इनकी नाक को तोड़ डाला था। अब इस समय क्या है, इंग्लैंड की जो रानी है एलिजाबेथ, वो शाही दौरे पर आ रही है, तो सभी चिंतित हैं कि किस तरह से इनकी नाक को लगा दिया जाए, क्योंकि अगर रानी आएगी और इनकी नाक को देखेगी तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको बहुत बुरा लगेगा, तो सभी चिंतित हैं। तो किस प्रकार से इनकी नाक को लगाया जाए, सभी अलग अलग अपने विचार दे रहे हैं, अपने अपने समझ से बता रहे हैं कि किस प्रकार से। फिर एक मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार ने क्या किया है, मूर्तिकार ने कहा है सबसे पहले यह पता लगाया जाए कि यह किस पत्थर का बना हुआ है और किस मूर्तिकार ने इसको बनाया है। तो मूर्तिकार तो नहीं मिला, लेकिन पत्थर की खोज होने लगी कि किस पत्थर से बना है। पहाड़ों पर गए, मूर्तिकार ने कहा कि अगर खोजा जाए तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। तो सभी ने उस पत्थर को खोजा, लेकिन वो पत्थर नहीं मिला, तो फिर से सब निराश हो गए। तो आगे देखें मूर्तिकार और क्या सलाह देता है सभी को कि इसकी नाक लग जाए और ये समस्या का हल ये निकल जाए। तो देखते हैं आगे कहानी। हमने यहाँ तक किया था, पहुँचे अखबार वालों तक ना पहुँचे। तो इसमें जब कहीं भी पत्थर नहीं मिला तो सब घबरा गए, सबके मन में ये हो गया कि क्या होना चाहिए। तो इस पर सब परेशान होने लगे। मूर्तिकार चुप खड़ा था, सहसा उसकी आंखों में चमक आई। सहसा उसकी आंखों में चमक आई तो इसका अर्थ होता है कि उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। कि ऐसा कोई विचार होगा कि अगर अखबार वालों तक वह बात पहुँच गई तो कुछ हो सकता है कि हानि हो सकती है। इसीलिए मूर्तिकार ने ये कहा कि ऐसा मेरे पास एक विचार है, लेकिन उसकी यह शर्त होगी कि वह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। तो सभापति की आंखों में चमक आ गई। आंखों में चमक आना, खुश हो जाना। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो, मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए। तो देखो मूर्तिकार ने कैसा विचार दिया, बड़ी ही शर्मिंदा की बात है कि उसके मन में अपने नेताओं के प्रति कोई भी भक्ति की भावना नहीं है और वह उनकी नाक तोड़ने को तैयार हो गए। अब जो देखिए आगे क्या होता है,
सबने सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जोड़ पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नरोजी गोखले, तिलक, शिवाजी, कौजी, जहांगीर, सबकी नाके उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विठलभाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा, बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोक की ओर बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश आया चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। घबराहट क्यों गई थी उसको? क्योंकि कहीं पर भी कोई भी नाप उसके लिए ठीक नहीं हो रही थी, क्योंकि जो नाप लेकर वो चला था जोड़ पंचम की, वह उससे बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, फिट नहीं हो रही थी, तो इसलिए वो घबराने लगा था। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा। उसने अपनी मुश्किल ब्याह की, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जोड़ पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। तो ये देखिए कि हिंदुस्तानियों के लिए कितनी गर्व की बात है कि जोड़ पंचम की नाक से कोई भी ठीक नहीं निकली, और कैसी निकली, सबकी बड़ी निकली, क्योंकि इसमें हमारा सम्मान है कि हमारे नेता का सम्मान उनसे अधिक है, तो इसलिए उनकी नाक, हमारे नेताओं की नाक बड़ी निकली, क्योंकि हमारे नेताओं का नाक सम्मान है। हमारे नेताओं ने अच्छे कार्य किए हैं, किसी को अपना गुलाम नहीं बनाया, किसी पर कोई जुर्म नहीं किया, तो इसलिए हमारे नेता अच्छे हैं, हमारे नेता महान हैं, तो इसलिए हमारे नेताओं की नाक बड़ी निकली है। इस पर आगे क्या हुआ है फिर सुनकर सब हताश हो गए। हताश होना, निराश हो जाना, झुंझलाने लगे, झुंझलाना, गुस्सा आने लगा, वे परेशान होने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बधाते हुए, ढांढस बधाना तसल्ली देना, आगे कहा, सुना है कि बिहार के सेक्रेटरिएट के सामने 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है, सेक्रेटरिएट कहते हैं सचिवालय में, शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं, अब बताइए मैं क्या करूं। तो ये देखिए कि कितना दर्द नहीं कह सकते इसको, कितनी शर्म की बात है कि जोड़ पंचम की नाक उन बच्चों से भी छोटी निकली। हमारे जो हिंदुस्तानी बच्चे थे जो शहीद हो गए थे तो देश के लिए, उन बच्चों की नाक भी जोड़ पंचम की नाक से बड़ी निकली है, कितने गर्व की बात है हमारे देश के लिए। राजधानी में सब तैयारियां थी। जोड़ पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। खलबली मचना है हलचल हुई वहां पर, सब परेशान हो गए। अगर जोड़ पंचम की नाक न लग पाई, फिर रानी का स्वागत करने का मतलब क्या रह गया है? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। मतलब ये देखिए कि किस प्रकार से वे अंग्रेजों से अपना वो कर रहे थे, मिलान कर रहे थे कि हमारी क्यों नाक कटे, लेकिन हिंदू वे कैसे हैं, अभी भी उनकी मानसिकता कैसी है, एक गुलामी वाली है, अभी भी गुलाम है उनके। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, पैसे से लाचार होना गरीब होना, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरतअंगेज
ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। हैरत अंगेज़ कहते हैं आश्चर्यचकित कर देने वाला विचार कौंधा आया उसके दिमाग में, उत्पन्न हुआ। और उसने पहली शर्त दोहराई, जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। क्योंकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। तो कितना ये मतलब वैसा काम था कि सुनकर भी सबके रोंगटे खड़े हो जाएं, सब घबरा जाएं कि एक अंग्रेज के कारण इन करोड़ों लोगों की नाक खतरे में पड़ गई, कि मतलब हिंदुस्तानियों की नाक भी नापी जाने लगी कि जिससे जोट पंचम की नाक लग जाए। तो बड़ी ही दुख का विषय है कि लोगों के मन में आज भी कैसी गुलामी है, लोग कैसे गुलाम हैं अंग्रेजों के। मतलब आज़ाद हो चुके लेकिन उनकी मानसिकता अब भी वैसी ही बनी हुई है, गुलामी वाली। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया, मतलब सब सोच में पड़ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा, सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और फिर धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आप सिर्फ इजाज़त दीजिए या इजाज़त चाहिए, मुझे आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाकोसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। मतलब है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए 40 करोड़ लोगों की जान खतरे में डाल दी उन्होंने, और उन मूर्तिकार को इजाज़त दे दी कि हाँ जाके अपना काम कर दीजिए। फिर आगे अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के सामने वाली जोट पंचम की लाठ के नाक लग रही है। नाक लगने से फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। हथियारबंद किसे कहते हैं, हथियारों से युक्त जिसके पास हथियार होते हैं, ऐसे पहरेदारों को वहां खड़ा कर दिया गया। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब भी निकाली गई, ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। मतलब है कि जो जिंदा नाक जो पंचम की नाक पे लगनी थी अगर वह सूख गई तो अलग ही पता लग जाएगी कि वो जिंदा नाक लगी हुई है। इस बात की खबर जनता को नहीं थी, यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था, मतलब मूर्तिकार ने ये विचार बता तो दिया सबको लेकिन वो अंदर ही अंदर परेशान था। एक जिंदा नाक लगाना अपने में ही बड़ी हिम्मत की बात होगी कि किस प्रकार से ये किया जाए। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि ये खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। मतलब कि कमेटी वालों ने कहा कि उस दिन तक ये नाक लग जाने चाहिए, यह भी कहा गया। और वह दिन आया, जोट पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छपी कि जोट पंचम के जिंदा नाक लगाई गई, मतलब अखबार में छप वो खबर छप गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात और गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था। अभिनंदन होना स्वागत होना, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। मानपत्र भेंट होता है सम्मान पत्र, किसको सम्मान देना, कोई तो वो नहीं नौबत आई नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। फिर पता नहीं ऐसे क्यों हुआ था, नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, फिर वह भी बुद्ध के लिए।
मतलब यहाँ पे है कि नाग तो सिर्फ एक चाहिए थी जोड़ पंचम के लिए, और वह भी बुध के लिए, वह भी केवल एक पत्थर की मूर्ति के लिए। तो इतने लोगों की नाक कैसे नापी गई और कैसे एक जिंदा नाक लगाई गई, इस बात को सोचकर सभी एकदम हैरान थे और सोच में पड़ गए थे। उस दिन किस प्रकार से पूरे देश में सन्नाटा छा गया। तो इस अगर हम बड़े ही अगर गंभीरता से इसको हम देखें, सुने और सोचे इस विषय में, ये जो हमने निबंध पढ़ा है, एक व्यंगपूर्ण निबंध है ये, तो हमारे मन में यही विचार आएगा कि आज भी लोगों के मन में किस प्रकार से गुलामी की मानसिकता है। लोग आज़ाद हो गए हैं लेकिन उनका मन आज भी गुलाम है। आज भी आपने देखा होगा कि कहीं कोई अंग्रेज आ जाए तो सब उसके साथ फ़ोटो लेने लगते हैं। तो क्यों है, क्यों अंग्रेजों को इतना सम्मान दिया जाता है। हिंदुस्तानियों में यही तो बात है कि वे आज भी आज़ाद हैं, फिर भी मन में उनके गुलामी की मानसिकता अब भी है, वो अंदर से गुलाम बने हुए हैं। तभी तो एक अंग्रेज जॉर्ज पंचम है, उसकी नाक के लिए कितना परेशान है। अंत क्या हुआ, एक जिंदा नाक काट कर लगा दी गई। ठीक है, आज हमने पूरा पाठ पढ़ा है। अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर कराऊंगी और इसका सार अपने शब्दों में बताऊंगी, तो ये पाठ हमारा पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही लेते हैं। इस पाठ को आप अपने से भी पढ़ना और इसमें से छोटे छोटे प्रश्न निकालना उसमें से, और फिर उनका उत्तर लिखने का भी प्रयास करना। आज के लिए इतना ही, आगे प्रश्न उत्तर और अपने शब्दों में सार। धन्यवाद। साई राम। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और गृह कार्य करते रहिए।